हेलो दोस्तों, आज फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारी बुश प्लेट है अतुल की, जेन्युइन अतुल। तो ये देख सकते हो BS4 गाड़ी थी, जिसमें से व्हील हमारा ऑयल लीकेज कर रहा था फ्राई व्हील की तरफ से। तो हमने इसमें बुश प्लेट नई डालेंगे, और ये देख सकते हो जेन्युइन अतुल कंपनी की है, और ये है ऑयल सील ग्रिप्स कंपनी की। हम जब भी कभी यूज़ करते हैं, या अतुल या ग्रिप्स दो ही कंपनियाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपनी की चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। तो ये देख सकते हो मेरे पास एनाबॉन ट्यूब है, एनाबॉन ट्यूब को मुझे लगाना पड़ेगा। और अगर आप भी बूस्ट प्लेट सेट करते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अगर सिंगल बूस्ट प्लेट ओनली डालते हो तो पैकिंग कितना लगेगा नहीं लगेगा, ये चीज़ें आपको सेट करने के बाद भी आप चेक कर सकते हो। वैसे तो अगर आप नई बूस्ट प्लेट डालते हो तो उसमें कोई पैकिंग नहीं लगाना पड़ता। तो ये देख सकते हो बूस्ट में अच्छे से लुब्रिकेट थोड़ा करना है ये, और ऑयल सील बाद में ही बैठाना है। ये देख सकते हो मैंने क्रैंक में भी थोड़ा लुब्रिकेट कर लूँ ये, और ये बड़े आसान तरीके से बैठ जाती है। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और बैठाते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, जो हमारे क्रैंक का थ्रस्ट वाशर है वो बाहर की तरफ ना निकले। अगर बाहर की तरफ वहाँ से अपने डायरेक्शन से अलग हो जाता है, तो बार बार आप बूस्ट प्लेट सेट करेंगे, आपकी क्रैंक जाम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपका थ्रस्ट वाशर गिरे नहीं, और आप सपोर्ट प्लेट बड़े आराम से फिट कर लें। तो चलो मैं इसको फटाफट फिट करता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्रैंक जो है फ्री घूम रही है या नहीं घूम रही। तो चलो फटाफट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऐसे ही रोज़ाना नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे उसको सेट कर लिया। अब हमें इसमें बोल्ट फंसाना है 22 नंबर, और हमें क्रैंक को भी चेक करना पड़ेगा कि हमारी क्रैंक फ्री घूम रही है कि नहीं घूम रही है। चलो पहले सबसे पहले इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अच्छे से इसे टाइट करना है। टाइट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्रैंक हमारी फ्री घूम रही है, मूवमेंट ले रही है नहीं ले रही है। अगर नहीं ले रही है तो इसको थ्रस्ट वाशर या फिर पैकिंग डाल सकते हैं। ये देख सकते हो मेरी क्रैंक एकदम फ्री घूम रही है। ये यही चीज़ आपको चेक करना है। अगर आपकी क्रैंक जाम हो जाती है तो पुनः फिर से बूस्ट प्लेट को बाहर निकालें, फिर वापस से एक बार थ्रस्ट वाशर ज़रूर चेक करें, क्योंकि थ्रस्ट वाशर गिरने से ही ये चीज़ जो है दिक्कत करती है। तो चलो ऑयल सील इसमें सेट करता हूँ। ये देख सकते हो ऑयल सील, ये बड़े आसान तरीके से हाथ से ही सेट हो जाती है, कोई इसमें पेचकस या हथौड़े की मदद से नहीं बैठाया जाता। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारी ऑयल सील बैठ चुकी है। तो हल्का सा इसमें हम ट्यूब लगाएंगे। ट्यूब लगाने से क्या होता है, मैंने सेट करते समय इसमें ज़रा भी ट्यूब नहीं लगाएं, क्या होता है झटके लेने की वजह से ऑयल सील हल्का बाहर भी आ जाती है। तो ये देख सकते हो मैग्नेट कॉइल हमने सेट कर दिया है, अब सेल्फ की प्लेट हम सेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऐसे ही रोज़ाना नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो ये देख सकते हो मैंने सेल्फ की प्लेट जो है इसको टाइट कर दिया है। फटाफट इसको करते हैं टाइट। तो अब बात करते हैं बेट की। तो बेट कभी भी सेट करना है तो ये चीज़ देख सकते हो, इसमें 4 होल होते हैं, इनको अच्छी तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि साफ़ नहीं करोगे तो हवा अंदर नहीं जाएगी और मैग्नेट कॉइल आपकी बार बार जलेगी। तो ये देख सकते हो मैंने फ्राई व्हील सेट कर दिया, और बड़े आसान तरीके से फ्री घूम रहा है, ये देख सकते हो। चलो इसमें फटाफट हम बोल्ट लगाते हैं, बोल्ट लगाने के बाद टाइट करते हैं इसको। तो ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमें बोल्ट को लगाना है, और हल्के से हाथ से बड़े आराम से ये टाइट हो जाता है। इसमें उल्टी चूड़ी होती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसे खींच अच्छा टाइट करना होता है। यह मेरा टाइट हो गया। चलो अब इसमें नीला कवर लगाते हैं। तो दोस्तों, यही एक प्रोसेस होता है। अगर आपकी भी गाड़ी में ऑयल यहाँ से लीकेज होता है तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करवाएं कि बूस प्लेट एक बार बाहर खुलवा के उसके बाद इसको सफाई करवा के चेक करें कि बूस हमारी ख़राब तो नहीं है,
क्योंकि आप बार बार भी ऑयल डालेंगे, ऑयल सील डालेंगे और बार बार वो ऑयल लीकेज होगा, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि काम एक ही बार करवाएं लेकिन अच्छा करवाएं। तो ये देख सकते हैं हमने सारी पुल्ली वगैरह सेट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा मेरा वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपना।